गुड मॉर्निंग क्लास, मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। सी प्लस प्लस के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और अभी जो हमारा करंट का चैप्टर चल रहा है फाइल हैंडलिंग, तो अंडर द चैप्टर फाइल हैंडलिंग टुडे टॉपिक नेम इज वर्किंग विथ मल्टीपल फाइल। यानी कि देखिए क्या कहता है, यूजिंग द टर्बो सी प्लस प्लस इंटरफेस वी कैन इंटरैक्ट टू मल्टीपल फाइल्स एंड एट सेम टाइम वी कैन वर्क ऑन मल्टीपल फाइल्स। देखिए यानी कि फाइल हैंडलिंग चैप्टर के अंदर हम लोग ये इससे प्रीवियस क्लासेस में देख चुके थे कि किस तरीके से हम टर्बो सी प्लस प्लस के इंटरफेस से हार्ड डिस्क ड्राइव में जो फाइल है, नोटपैड का फाइल है, वर्डपैड का फाइल है, उसके साथ कैसे हम लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग कैसे फ्यूचर यूज के लिए डाटा को राइट कर सकते हैं, फिर वहाँ से रीड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। लेकिन इस सारे प्रोग्राम्स में एक ही फाइल्स हुआ करता था, लेकिन आज का जो हमें प्रोग्राम देखना है, हो सकता है हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हो मोर वर्क ऑन मोर फाइल एट द सेम टाइम, यानी एक ही बार में हमें कई सारे फाइल्स पे वर्क करना हो, तो इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इस प्रोग्राम का हम लोग पहले ड्राई रन समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग रन करा करके टर्बो सी के थ्रू देखेंगे। देखिए यहाँ पर एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ किया गया है। ये बखूबी आप पहले से जानते हैं कि कोई भी फाइल रीडिंग राइटिंग का काम करना हो तो हम एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल का यूज करते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन में आ जाते हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें फाइल में राइट करना है, फाइल को क्रिएट करना है, सो डैट ऑफ स्ट्रीम क्लास का हम लोग आउट फाइल नाम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओपन फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ओपन फंक्शन के साथ हम लोग आर्गूमेंट भेज रहे हैं स्टेट डॉट टी एक्स टी। यानी कि ये क्या करेगा कि ओपन फंक्शन जो है एक लोकेशन में, उस लोकेशन का जिक्र मैं प्रोग्राम के एंड में करूँगा, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के एक लोकेशन में स्टेट डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल क्रिएट कर देगा। अगर वो फाइल पहले से होगा तो उस फाइल को क्या करेगा कि ओवरराइट कर देगा, ठीक है, और ओवरराइट करने के बाद यानी कि कम्प्लीटली ब्लैंक कर देगा। ओवरराइट का मतलब ये हुआ यानी कि ये कम्प्लीट न्यू फाइल यहाँ से जनरेट होता है, ओके, और उस फाइल को असाइन कर देगा आउट फाइल ऑब्जेक्ट के पास। अब आउट फाइल ऑब्जेक्ट के पास मेन मेमोरी में ये फाइल जो है आ चुका है, तो आउट फाइल ऑब्जेक्ट जो कि ऑफ स्ट्रीम क्लास का हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो इसके साथ हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके जो भी चीज़ यहाँ से डालेंगे वो उसमें राइट होता चला जाएगा फाइल में, यानी कि स्टेट डॉट टी एक्स टी फाइल में राइट होता चला जाएगा। और जब इस फाइल पे हम लोग का वर्किंग ख़त्म हो जाएगा, काम हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, तो इस फाइल के आउट फाइल के जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने आउट फाइल बना रखा है उसके क्लोज फंक्शन को कॉल करके इसे क्लोज कर देंगे। और इससे होगा क्या कि स्टेट डॉट टी एक्स टी जो कि असाइन हुआ था आउट फाइल को वो रिलीज हो जाएगा, यानी आउट फाइल ऑब्जेक्ट के पास अब कोई भी फाइल नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, क्रिएटिंग सेकेंड फाइल फॉर राइटिंग, तो दूसरा फाइल वापस से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आउट फाइल ऑब्जेक्ट एक ही बार बनाया उसके वापस से ओपन फंक्शन को कॉल करते हैं, और इस बार हम लोग कैपिटल डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल जो है वो जेनरेट करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव में क्रिएट करते हैं, और उसमें फिर जैसे इसमें हम लोगों ने राइट किया बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उसी तरीके से उसके सबसिक्वेंट जो कैपिटल्स है पटना, लखनऊ और कलकत्ता दूसरे फाइल में, यानी कि कैपिटल डॉट टी एक्स टी हमारा जो दूसरा फाइल है उसमें हम लोगों ने राइट किया। अब हमें क्या करना है, इसे रीड करना है, तो रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया वापस से आउट फाइल को। रीड करने के लिए हमें इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो इफ स्ट्रीम का इन फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये इन फाइल के जगह जो ये ऑब्जेक्ट नेम है आउट फाइल और इन फाइल, इनके जगह पे आप कुछ भी ए बी सी डी वैलिड कोई भी ऑब्जेक्ट नेम हो सकता है, लेकिन आउट फाइल और इन फाइल जो है रेगुलरली यूज किया जाता है, ये कन्वेंशन है एक, है ना। लेकिन उससे पहले वाले लाइन में, ठीक ऊपर वाले लाइन में एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया, तो ये हमने क्यों किया, तो देखिए इसको क्रिएट करने का मकसद है ये है हमारा कि इन फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी डाटा हम रीड करेंगे, यानी पहले जो राइट किया ऊपर के ऊपर में हमने क्या किया, यहाँ पे राइट किया इन दो पोर्शन में और इस पोर्शन में अब रीड हो रहा है, तो रीड जब होगा इन फाइल में तो
इन फाइल कहाँ पर है, मेन मेमोरी में है, और इन फाइल को डायरेक्टली हम कंसोल पर, कंसोल कहने का मतलब जो ब्लैक स्क्रीन, जो हमारा ट्रेडिशनल टर्बो सी प्लस प्लस का इंटरफेस ब्लैक स्क्रीन जिसपे हम लोग आउटपुट दिखाते हैं, तो आउटपुट डायरेक्टली हम लोग इन फाइल के थ्रू नहीं दिखा सकते हैं। सो डैट हमें एक कैरेक्टर एरे चाहिए जिसमें हम इन फाइल से वैल्यू को उस कैरेक्टर एरे में डालेंगे, यानी कि लाइन नाम का जो हमारा कैरेक्टर एरे है एज ए स्ट्रिंग वर्क यहाँ पे कर रहा है, उसमें हम लोग डालेंगे और उसको हम लोग फिर सी आउट के जरिए प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक लाइन है कंटेंट ऑफ स्टेट डॉट टी एक्स टी फाइल, यानी उसका पहले शो करेगा, और जब शो करेगा तो ये किस तरीके से, इस तरीके से पहले रीड कराना होगा तब शो कराना होगा। तो रीड कराने के लिए ये व्हाइल लूप, ये हम लोग पहले से जानते हैं, है ना। और यहाँ पर ये इन फाइल, तो इन फाइल का वैल्यू जैसे ही रीड करना शुरू करेगा ये, तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होता है, और जैसे ही एंड ऑफ लाइन पे पहुँचेगा, यानी कि जो हमारा फाइल है उसके सबसे लास्ट में पहुँचेगा, तो वहाँ पे एंड ऑफ फाइल का वैल्यू जो है, इन फाइल का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाता है और लूप हमारा टर्मिनेट कर जाता है। तो इन फाइल के थ्रू रीड कैसे कर रहे हैं, तो गेट लाइन के थ्रू। गेट लाइन से हम लोग पहले से परिचित हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोग जान चुके हैं, गेट लाइन वन लाइन को एट ए टाइम रीड करता है, और इसके दो आर्गुमेंट्स होते हैं, यानी कि सबसे पहला तो किस कैरेक्टर वेरिएबल में हमें वो स्टोर कराना है, और उसका लेंथ, तो लेंथ हम यहाँ पे 80 दे रखे हैं। 80 का मतलब कि 80 कैरेक्टर्स को एक लाइन से ये रीड कर लेगा और उसको लाइन में डाल देगा। जब लाइन में डाल देगा तो लाइन के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, कंसोल स्क्रीन यानी कि ब्लैक स्क्रीन पे एज आउटपुट दिखा देते हैं, और फिर इसको जो फर्स्ट फाइल जो था स्टेट डॉट टी एक्स टी, तो उसको हम लोग क्लोज करते हैं, इन फाइल के क्लोज फंक्शन को कॉल करते हैं। इससे क्या होता है कि इन फाइल से जो है ये स्टेट डॉट टी एक्स टी रिलीज हो जाता है, वापस इन फाइल के ओपन फंक्शन को कॉल करके कैपिटल डॉट टी एक्स टी असाइन कराते हैं, यानी इन फाइल को अब जो नया फाइल जो असाइन हुआ वो हुआ कैपिटल डॉट टी एक्स टी, और कैपिटल डॉट टी एक्स टी के भी वैल्यूज को उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्टेट डॉट टी एक्स टी के वैल्यूज को रीड किया, उसी तरीके से कैपिटल डॉट टी एक्स टी के वैल्यूज को फाइल के वैल्यूज जो भी होंगे उसमें जो भी राइटेड वैल्यू होगा उसको हम लोग रीड कर लेंगे, और फिर इन फाइल को भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ड्राई रन हम लोग समझ चुके हैं, इसको चलिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसको टर्बो सी में समझेंगे। लेकिन टर्बो सी में समझने से पहले मैंने अभी जिक्र किया था कि ये एक लोकेशन में जो फाइल जो ये क्रिएट होता है एक लोकेशन में हो जाता है, तो कौन से लोकेशन में, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो लोकेशन होता है कंप्यूटर के अंदर जाना है, कंप्यूटर के अंदर जिस ड्राइव में आप टर्बो सी इंस्टॉल कर रखे हैं। ठीक है, तो हमारा सी ड्राइव में है टर्बो सी प्लस प्लस, इसके अंदर डिस्क होता है, डिस्क के अंदर टर्बो सी थ्री, टर्बो सी थ्री के अंदर बिन, और जो दो फाइल था हमारा वो था हमारा कैपिटल डॉट टी एक्स टी और स्टेट डॉट टी एक्स टी। तो इस लोकेशन पे दोनों फाइल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्टेट डॉट टी एक्स टी बना हुआ है, इसमें देखिए क्या है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये नोटपैड का फाइल देखिए, यहाँ पे हेलो बिहार और उत्तर प्रदेश पहले से लिखा हुआ है। अब हेलो क्यों लिखा हुआ है अब आगे हम आपको समझा देंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि बिहार उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल लिखा होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा प्रोग्राम वही लिख रहा है, मैंने पहले हेलो लिखा था इसलिए हेलो है। चलिए इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वापस से हमें यह क्रिएट करना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से स्टेट डॉट टी एक्स टी डिलीट हो गया। अब एक हमारा और फाइल था कैपिटल डॉट टी एक्स टी, तो ये रहा आपका कैपिटल डॉट टी एक्स टी, इसको मैं ओपन करता हूँ, पटना लखनऊ कोलकाता तीनों स्टेट सॉरी कैपिटल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ से कैपिटल डॉट टी एक्स टी को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये यहाँ से कैपिटल डॉट टी एक्स टी भी डिलीट हो गया। अब चलिए हम लोग चले आते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में। टर्बो सी प्लस प्लस में आने के बाद मैं स्क्रीन को जरा इसे बड़ा कर दूँ, है ना। अब चलिए ध्यान से देखिए इस प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम है जो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखें फर्स्ट फाइल का देखें, तो फर्स्ट फाइल का ऑपरेशन यहाँ से आउट फाइल का ऑब्जेक्ट सॉरी आउट फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ स्ट्रीम का, और फर्स्ट फाइल यहाँ से शुरू हो गया। ये वाला लाइन मैं वापस से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से शुरू हो गया और फर्स्ट फाइल में जो है यहाँ तक ये काम चला, क्लोजिंग द फर्स्ट फाइल, यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल हम लोगों ने राइट किया और उसको क्लोज कर दिया। दूसरा फाइल फिर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद कैरेक्टर एरे अभी बताया था वो यहाँ पे हुआ, डिक्लेयर किया कैरेक्टर एरे, और फिर अब रीडिंग का काम शुरू कर दिया। तो उसके लिए इन फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, और पहले स्टेट डॉट टी एक्स टी से हम लोग रीड करते हैं, फिर इन फाइल डॉट इन फाइल को क्लोज कर देते हैं,
और इसको क्लोज करने के बाद जो सेकेंड फाइल है हमारा कैपिटल डॉट टी एक्स टी, उससे हम लोग रीड करने का काम करते हैं। तो इसको मैं रन कराता हूँ। रन कराने पर देखिए कि दोनों के वैल्यू को रीड कर रहा है, रीड कर, ये केवल आउटपुट पे रीडिंग वैल्यू दिखा रहा है, राइटिंग वैल्यू नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि राइटिंग वैल्यू हमने इंटरनली टर्बो सी प्लस प्लस के इंटरफेस से ही प्रोग्रामेटिकली लिखने का काम किया है, सो डैट राइटिंग का यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं दिखा रहा है ना। तो अब हमें ये देखना है कि वहाँ पे उस लोकेशन पे जो वो दो फाइल था, वो दो फाइल वहाँ पे है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग चलिए वापस चले आए उसी लोकेशन में। इस लोकेशन में सबसे पहले स्टेट डॉट टी एक्स टी को देख ले। तो देखिए स्टेट डॉट टी एक्स टी जेनरेट हो गया है और इस बार इसमें हेलो नहीं होगा। देखिए इसमें हेलो नहीं है क्योंकि वो प्रीवियसली मैंने हेलो राइट किया था, ठीक है। और उसी तरीके से ये कैपिटल डॉट टी एक्स टी भी आपका जेनरेट हो गया होगा, ये दूसरा फाइल। यानी दोनों फाइल्स को टर्बो सी प्लस प्लस के इंटरफेस से हमने रन करा करके क्रिएट किया है, उसमें राइटिंग का काम किया है और उससे रीडिंग का भी काम किया है। चलिए अब यहाँ पे दो बातें आती हैं इस प्रोग्राम के जरिए, यहाँ पे दो बातें सामने आ रही है। फिर मैं वापस स्क्रीन को बड़ा कर दूँ, मैक्सिमाइज हो गया। ये दो बातें क्या है कि सबसे पहली बात कि पहले स्टेट डॉट टी एक्स टी में हेलो लिखा हुआ था वो क्या हो गया, कम्प्लीटली इरेज हो गया, ओवरराइट हो गया। और जो ऊपर चले आइए, राइटिंग का काम जहाँ से हो रहा है, और ये तीन लाइन जो है जिसके थ्रू हमने बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल राइट करने का काम किया, यही राइट हुआ। यानी कि प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो क्या प्रीवियस वैल्यू जब इरेज हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम किस काम का है, आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखिए उसके लिए जो है फर्दर जो है फाइल ओपनिंग के मोड्स होते हैं, जिस मोड्स में हम ओपन करेंगे तो ये प्रीवियस वैल्यू को इरेज नहीं होगा, जो कि फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को देखेंगे। दूसरा, आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू जो हमने राइट कराया है आउट फाइल ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर को यूज करके, तो यहाँ पे तो हमने ये प्रोग्रामेटिकली वैल्यू दिया है, यूजर से लेकर के वैल्यू नहीं दिया है। तो क्या हम यूजर से लेकर के वैल्यू दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं यूजर से वैल्यू लेकर के। तो इसके लिए यूजर से वैल्यू लेने के लिए पहले यूजर के वैल्यू को हमें टर्बो सी प्लस प्लस के इंटरफेस में, यानी कि मेन मेमोरी में किसी वेरिएबल में हमें स्टोर कराना होगा, और उस वेरिएबल के वैल्यू को क्या करना होगा, वापस हमें आउट फाइल के जरिए यहाँ पे राइट करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी करके ही देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर एक सॉरी नीचे के लाइन में मुझे लिखना चाहिए था, कैरेक्टर एक एरे बना लेते हैं, सी एस नाम का एरे बना लेते हैं और इसका साइज हम दे देते हैं 40। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब ये हम क्या करते हैं, यूजर को हम बोलते हैं कि सी आउट के जरिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इंटर ए वैल्यू। तो और उसके बाद फिर क्या कराना होगा, सी इन हम कराएंगे। तो सी इन किस में करा ले, तो सी इन हम लोग करा ले सी एच में, ठीक है। सी एच में हम लोग यूजर ने जो भी वैल्यू डाला अब सी एच में आ चुका है। अब सी एच के वैल्यू को क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे जो बिहार लिखा हुआ है बिहार को डबल इन्वर्टेड कॉमा में से हटा दीजिए और यहाँ पे सी एच डाल दीजिए। इससे होगा क्या कि यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो सी एच में आएगा और सी एच का वैल्यू आउट फाइल के जरिए जो है स्टेट डॉट टी एक्स टी फाइल में चला जाएगा, ठीक है। इसको अब दूसरा वैल्यू लेना है तो वापस से फिर हमें क्या करना होगा, फिर यूजर को प्रॉम्प्ट करना होगा इंटर सेकेंड वैल्यू। तो यहाँ पे सी इन के जरिए फिर से हम सी एच ले लेते हैं। मैं सी आउट वाली बात, यूजर को जो मैसेज देना है कि इंटर सेकेंड वैल्यू या इंटर फर्स्ट कैरेक्टर या फर्स्ट लेटर, वो मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूँ और दूसरा लाइन में यहाँ से फिर उत्तर प्रदेश को हटा दीजिए और यहाँ पे आप फिर वापस से सी एच डाल दीजिए। चलिए अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा तो निश्चित रूप से ये प्रोग्राम दो बार यूजर से इनपुट लेने के लिए रुकेगा। तो चलिए मैं रन कराता हूँ। ये देखिए फर्स्ट टाइम ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, यानी कि सी इन के लिए रुका हुआ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है, और फिर वापस से फिर रुका तो मैं लिखा क्लास लिखा और तब मैं इंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट डॉट टी एक्स टी में देखिए क्या लिखा, कंटेंट ऑफ स्टेट डॉट टी एक्स टी, पहला हेलो राइट किया है फिर क्लास, यानी यूजर ने जो दो वैल्यू डाले हेलो और क्लास उसको बिहार और उत्तर प्रदेश के जगह पे इसने राइट किया और वेस्ट बंगाल, और फिर यहाँ पे कैपिटल का जो वैल्यू दे रहा है
कैपिटल का पटना लखनऊ कोलकाता क्यों दे रहा है कैपिटल का वैल्यू, क्योंकि कैपिटल वाले में मैं हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, कैपिटल वाले में वो जो प्रोग्रामेटिकली मैं वैल्यू दे रहा हूँ उसी को ये राइट कर रहा है। दे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, देखिए ये पटना लखनऊ और कोलकाता जो हमने प्रोग्रामेटिकली राइट कराया है वही वैल्यू रिटेन है, सो डैट उसी वैल्यू को ये सेकेंड लाइन में सेकेंड फाइल के लिए कैपिटल डॉट टी एक्स टी के लिए दिखा रहा है। तो इसी के साथ मैं अब टर्बो सी प्लस प्लस से क्विट करता हूँ और वापस मैं वहाँ पे आ जाऊँ, अपने एमएस वर्ड में आ जाता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने रीडिंग का काम किया, राइटिंग का काम किया और मल्टीपल फाइल्स के साथ कैसे मल्टीपल फाइल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। रही बात इरेज ना हो हमारा प्रीवियस वैल्यू, तो मैं फिर से बता रहा हूँ इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इस बात का हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस चीज़ को देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ कि मल्टीपल फाइल के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है आप बखूबी अच्छी तरीके से समझ गए होइएगा। और मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।